पिछले 2 साल से मुझे ये समस्या थी गर्ड की। कल मेरी सर्जरी हुई और मैं उसके बाद घूमने फिरने लगा, मैंने खाना भी खाया और आज मैं डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा और मैं भी ठीक हूँ। मेरा ऑपरेशन हो गया है और मैंने दवा सब जो है वो बंद कर दिया है, मुझे कोई जरूरत नहीं है और ये मैं खा पी भी अच्छे से रहा हूँ। हाय, मेरा नाम नीरज कुमार, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ और मेरी उम्र 29 साल है। पिछले 2 साल से मुझे ये समस्या थी गर्ड की और मिस्टर चिराग ठक्कर, डॉक्टर चिराग ठक्कर ने मुझे सलाह दी कि ये लेवल का टेस्ट कराना 24 घंटे का, और ये टेस्ट मेरा हुआ भी है और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खाना पीना भी खाया, बाकी सारे दिन का जो काम होता है मैंने किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाय, मेरा नाम नीरज कुमार, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। ये परसों मेरा पीएच लेवल और मेनोमेट्री का टेस्ट हुआ था और डॉक्टर चिराग ठक्कर ने मुझे सलाह दिया कि सर्जरी कराना होगा, तो कल मेरी सर्जरी हुई है दोपहर में 1:30 बजे और 2 से 3 घंटे के बाद मैं उठने लगा और चलने लगा हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी लिया है, फिर रात को मैंने खाना भी खाया थोड़ा सा और फिर सवेरे नाश्ता भी किया, चाय भी पिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस वही थोड़ा सा अटकन का दिक्कत रहता है जो कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, तो वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है और सब ठीक है। मैं चल फिर भी रहा हूँ, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है और 1 से 1.5 घंटे मुझे यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और मैं सलाह दूंगा कि जिनको भी ये दिक्कत हो GERD का एक बार आकर यहाँ जरूर दिखावे और इनका जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं उनका बात करने का तरीका, काम करने का तरीका बहुत ही लॉयल और लिबरल है, तो आप जब भी कोई दिक्कत हो यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मेरी उम्र 30 साल है। सर से 3 महीने पहले मैंने ऑपरेशन करवाया था और अभी सब कुछ ठीक ठाक, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा पी भी आराम से रहा हूँ, वही चेकअप करवाने के लिए मैं आया था और सब कुछ बढ़िया है।